हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से लैपटॉप में या फिर लैपटॉप से फ़ोन में डेटा को कैसे शेयर कर सकते हैं बिना इंटरनेट यूज़ किए। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है वाईफाई एफटीपी सर्वर। तो मैंने इसे पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप इसे पहले डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फ़ोन के डेटा को या फिर वाईफाई को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है। हॉटस्पॉट ऑन हो जाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने लैपटॉप में जाना है और अपने हॉटस्पॉट को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैं अभी अपने लैपटॉप में कर रहा हूँ। वाईफाई कनेक्ट हो जाने के बाद आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाना है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड ए नेटवर्क लोकेशन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो विंडो ओपन हो गई हैं, तो एक को क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक URL पूछेगा जो कि आपको उस एप्लीकेशन में बताई गई थी, तो वो यहाँ पे डाल देना है जैसा कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ। URL डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करके कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो शो होगी जो कि आपके फ़ोन के डेटा की होगी, जिसमें आपको सारे फोल्डर्स शो हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको लैपटॉप से फ़ोन में और फ़ोन से लैपटॉप में कुछ कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, लैपटॉप से कॉपी की गई फाइल अभी फ़ोन में कॉपी हो रही हैं। तो अभी मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूं क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, वो कॉपी की गई फाइल फ़ोन में आ गई हैं। तो अभी मैं फ़ोन का कुछ डेटा लैपटॉप में कॉपी करके बता देता हूँ। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।